शांति। आज की तारीख है 20/4/13 और मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं ज्ञान रत्न लुटाते हुए रत्नागर बाबा। तो रत्नागर बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और फिर उसकी कमाई कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता है, करके दिखाना है। हाँ कहते हैं ना दान और पूछ पूछ, तो दान में कभी पूछना नहीं होता। और कहते हैं कि जो राइट हैंड दान करे तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो दान इतना गुप्त किया जाता है और दान की बड़ी भारी महिमा है। प्रश्न है आज का, बाप की दिल में कौन सी शुभ आस सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बच्चों को बनाना चाहते हैं? उत्तर है, बाप की दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। माँ बाप क्या चाहेंगे, बस बच्चे हमारे सुखी रहे। तो बेहद के बाप को भी कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प किसके लिए, बच्चों के लिए, या दुख देने का संकल्प आ नहीं सकता, क्योंकि वो है ही सुखदाता। इस ही बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। तो बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे भी मेरे समान सबको सुख दें। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जांच करो, मेरे अंदर सदा शुभ संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। हाँ तो पूरा गीत इस पर ही हमें इशारा देता रहता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक है रूप और बसंत बनकर, रूप बसंत बनकर मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं, योग से अपनी बुद्धि को शालीन बनाना है, माना तेज बनाना है जिससे हम परख सकें। फिर नंबर दो है बाप समान सबको सुख दे सुखदाता बनना है, कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। वरदान है बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव, आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते कौन, मम्मा और बाबा, मातेश्वरी सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री और प्रजापिता ब्रह्मा एडम और आदि देव, तो मुख्य दो पत्ते ये, फिर त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, फिर मुख्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इनके संबंध वाले तना माना एकदम अंदर की नींव को पकड़ने वाले थुड़ हो, इससे ही ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ, अलौकिक जीवन में भी बचपन युवा वयोवृद्ध और वृद्धावस्था आती है, तो बाबा कहते हैं बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बनकर अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।